गाइज नमस्कार, की हालचाल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में आपको ले जाने वाला हूँ मेरे डिस्ट्रिक्ट के सबसे फेमस मंदिर। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, मेरे डिस्ट्रिक्ट के सबसे फेमस मंदिर में। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो पूरी की पूरी धार्मिक होने वाली है, तो दोस्तों मेरे साथ आज बने रहिए अंत तक। जी हाँ दोस्तों कुछ लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरह के ब्लॉग मैं आपके लिए लाता रहूँगा। दोस्तों मैं जाने वाला हूँ आज हरी बाबा बांध धाम, जो कि डिस्ट्रिक्ट संभल के उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों तो आज के ब्लॉग में बहुत कुछ है, बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। तो चलिए भाई ब्लॉग को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, चलो बैठ चुके हैं गाड़ी में और निकलते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम निकल रहे हैं अब हरी बाबा बांध धाम के लिए। चलिए एंजॉय कीजिए दोस्तों। हेलो गाइज, जैसा कि मैंने बताया आपको इंट्रोडक्शन में, और हम निकल चुके हैं हरी बाबा बांध धाम के लिए। दोस्तों हम चार लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, चारों दोस्त हैं हम, और मैं चारों लोगों से मिला देता हूं। दोस्तों चलिए अभी देखो, दोस्तों ये बैठे हैं सुरेश, हाय बोल दो। हेलो। हाँ और भाई ये बैठे हैं सत्येंद्र, हेलो बोल दो। और ये बैठे हैं जी श्याम बाबू, और इधर मैं बैठा ही हूँ, आप जैसे कि आप देख सकते हैं इधर मैं बैठा ही हूँ। चलिए दोस्तों तो हम चल रहे हैं, जैसे कि हम निकल रहे हैं हरी बाबा बांध धाम के लिए, आपको दिखाते हैं। चलिए कीजिएगा, हम अब निकल चुके हैं बांध धाम के लिए। दोस्तों गांव का रोड आप देख सकते हैं किस तरह का गाँव का रोड है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। दोस्तों भूख लगी थी तो इसलिए होटल पर रुक गए खाना खाने के लिए, देख सकते हैं खाना हमारा लग चुका। दोस्तों मिलते हैं खाना खाने के बाद, चारों दोस्त खाना खा रहे हैं। दोस्तों चलो मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हरी बाबा बांध धाम, जो कि मैंने वीडियो के इंट्रो में बताया था आपको। तो हम उतर चुके हैं गाड़ी से, और कौन कौन आए आपको मैं दिखाई देता हूँ। मैंने पहले ही दिखाया था गाड़ी में बैठ के जब आए थे, तो पहले ही दिखाया था कि हम आइए आए शर्मा गिर रहे भाई सुरेश आ जाओ सुरेश तो बहुत मतलब घबरा गिर रहे हो ये कैमरा से, और बता दो सुरेश भैया घबरा रहे हैं। और एक बात और बता देता हूँ, सुरेश को बोलते क्या सप्पी भाई मतलब ये तो नहीं पता मेरे को फैक्ट क्या है कि सप्पी रखने का, यहाँ पे जितने भी मेरे दोस्त हैं मेरा भी मतलब ये फैक्ट है कि दो दो नाम है सबके निकने में। श्याम बाबू का शायद पता नहीं मेरे को क्या बोलते, श्याम बाबू कुछ और बोलते तुम्हारे नाम को, श्याम बाबू ही बोलते श्याम लाल
यार तुम्हारा तो बहुत ओल्ड टाइम को नाम है श्याम लाल। और भाई मतलब इनको तो पता है, बता देता हूँ, वैसे तो सत्येंद्र नाम है और वैसे गांव में तो सब गुल्ली गुल्ली कहवे, पता नहीं क्यों कहवे गुल्ली। चेहरा भी मतलब गोल मटोल नहीं है, मतलब इसका नहीं पता मेरे को मतलब क्यों बोलते गुल्ली गुल्ली। और भाई मेरा नाम, मैं अपना नाम भी बता देता हूँ, वैसे तो मेरा नाम आपको पता ही है कि रविंद्र कुमार है, मेरा नाम रविंद्र है। लोग मतलब जो है मतलब वो लोग बोलते हैं मेरे को रवन, उनका तो समझ में आता है कि रवन मतलब थोड़ा सा आधा काट के मेरा नाम बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं हरिवा बांध धाम पर पहुंच चुका हूं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए मैं लेके चलता हूं मंदिर की तरफ, और मंदिर में लेके चलता हूं, मंदिर में दिखाऊंगा आपको ये रियल स्टोरी है हरि बाबा की। चलिए मैं बाद में बताऊंगा इसके बारे में, एक रियल पर्सन की कहानी है दोस्तों, और रियल पर्सन का ही मंदिर है ये, एक इंसान थे वो, तो उन्हीं का मंदिर है और उनके बारे में कुछ बताऊंगा आपको, तो बने रहिएगा मेरे साथ दोस्तों। तो चलिए मैं ले कर चलता हूँ दोस्तों। तो गाइज घंटा बजाते हैं और दर्शन करते हैं हरि बाबा जी महाराज के। चलिए घंटा बजा देते हैं। तो गाइज आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटी भी बजा दो दोस्तों। तो दोस्तों ये देख सकते हैं मंदिर का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है दोस्तों, और ये दो बच्चे हैं घंटी बजाने की कोशिश कर रहे हैं बट हाइट की वजह से पहुंच नहीं पा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए मैं हरि बाबा जी महाराज की तस्वीर दिखा देता हूं दोस्तों। ये रियल तस्वीर है हरि बाबा की महाराज की। तो दोस्तों हालाँकि ये तस्वीर पत्थर की है बट इसी तरह के दिखते थे हरि बाबा महाराज। तो दोस्तों ये कमल के फूल के ऊपर खड़े हैं। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको दोस्तों, एक हाथ में ये घंटा नज़र आ रहा है हरि बाबा के हाथ में, और एक हाथ में हथौड़ी अगर दिखाई दे रही हो। तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बगल में जो खड़े हैं ढोलक लेके, इधर साइड में भी खड़े हैं दोस्तों ये ढोलक लेके, और इसका मतलब मैं बता देता हूँ दोस्तों, जब हरि बाबा महाराज कीर्तन किया करते थे तो इसी तरह की ढोलक बजती थी दोस्तों। चलिए हम आगे चलते हैं और दिखा देते हैं दोस्तों। आप ये सामने देख पा रहे हैं कि हनुमान जी बैठे हैं जो कि रियल हैं दोस्तों, रियल वाले हनुमान जी हैं। आप जैसे कि आप कैमरा में देख सकते हैं दोस्तों, और ये देख के घबरा से रहे हैं कि किधर जाएं किधर नहीं, तो हमें देख के ये जाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, और ये चले गए दोस्तों। चलिए हम चलते हैं मेन मंदिर की तरफ दोस्तों। चलिए मैं ले कर चलता हूँ दोस्तों। इधर से गेट नहीं है हरि बाबा का, मेन गेट उधर से है, तो दोस्तों हम इधर से भी जा सकते हैं अंदर। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको अंदर। तो ये दोस्तों हम, तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम मंदिर के सामने पहुँच चुके हैं दोस्तों, और ये सामने का व्यू देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर है दोस्तों। चलिए हम मंदिर को दिखा देते हैं जो कि श्री हरि बाबा जी महाराज का है। सामने आप जो मंदिर देख रहे हैं ये श्री हरि बाबा जी महाराज का है दोस्तों, और ये बगल वाला मंदिर दिखा देते हैं, ये श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर है दोस्तों। ये साथ में बनाने का एक ही मकसद है दोस्तों कि हरि बाबा जी महाराज श्री कृष्ण का ही भजन किया करते थे, तो इसलिए साथ में ही मंदिर बना दिया है दोस्तों। दोस्तों मंदिर के अंदर भी लेके चलेंगे हम, क्योंकि दोस्तों एक कहानी है हरि बाबा जी महाराज की जो कि एक रियल पर्सन थे दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ हरि बाबा जी महाराज के बारे में दोस्तों, ये रियल पर्सन थे, और इनका जो जन्म सन 1885 ईस्वी में गांव होशियारपुर में हुआ था जो कि पंजाब में स्थित है दोस्तों। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको, आपकी जानकारी के लिए, कि इनका जो जन्म हुआ था तब उनका नाम हरि बाबा महाराज नहीं था, उनका नाम श्री दीवान सिंह था दोस्तों। जब वो हरि जब सुमरण बहुत ज़्यादा किया करते थे तो इसलिए उनका नाम बदल के श्री हरि बाबा जी महाराज पड़ गया दोस्तों। और ये जब 15 साल के थे तो यहाँ पर आ गए थे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ मैं दोस्तों। अब चलना है मंदिर के अंदर दोस्तों, चलिए आपको दर्शन करा देते हैं महाराज जी के। और ये हमने हाथ जोड़ लिए हैं और हम
चलते हैं मंदिर के अंदर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि श्रद्धालु खड़े हैं यहाँ पे और दर्शन कर रहे हैं श्री हरि बाबा जी महाराज के। दोस्तों ये ग्रिल के अंदर देख रहे हैं आप हरि बाबा जी की तस्वीर। और दोस्तों यहीं पर हरि बाबा जी महाराज की समाधि ली गई थी, हरि बाबा ने समाधि यहीं पर ली थी दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दूं कि मंदिर के अंदर जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि आज पूर्णिमा का दिन है दोस्तों। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि पूर्णिमा वाले दिन श्री हरि बाबा जी महाराज मंदिर के अंदर आते हैं और वो पूजा किया करते हैं, ऐसा लोगों का मानना है दोस्तों। इसलिए मंदिर को बंद किया जाता है पूर्णिमा वाले दिन। दोस्तों आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं तस्वीर के अंदर, मैं ग्रिल के बाहर से ही ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर लोग कान लगाकर भी सुनते हैं कि हरि बाबा आवाज़ आती है, तो कान लगा के भी सुनते हैं दोस्तों। मैं दिखाऊंगा आगे चल के, अभी देख लीजिए दोस्तों ये परिक्रमा लगा रहे हैं श्री हरि बाबा जी महाराज की, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों एक बात बता देता हूँ मैं आपको कि लास्ट में मैं एक तस्वीर डालूँगा जो कि रियल तस्वीर है श्री हरि बाबा जी की। दोस्तों उसको देखना ज़रूर, लास्ट में डालूंगा वीडियो के अंत में दोस्तों। तो गाइस राधा कृष्ण का जो मंदिर है मैं वीडियो के अगले पार्ट में दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी हम पार्क में चलते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी जो घंटा आप देख रहे हैं, जो घंटा बज रहा है ये कीर्तन के बाद बजता है दोस्तों। तो चलिए हम पार्क में चलते हैं दोस्तों। मैं लेके चलता हूँ पार्क में, यहाँ जो पार्क बना हुआ है उसमें लेके चलूँगा। अभी मूर्ति बनी हुई है दोस्तों, तो उतर रहा था क्योंकि ऊंचाई बहुत थी दोस्तों, इसलिए बोल नहीं पाया। चलिए लेके चलता हूँ मैं दोस्तों, देख देख के उतरना पड़ रहा है दोस्तों। देखो मैं अब आ चुका हूँ दोस्तों पार्क में, और थोड़ी सी मतलब सुबह का टाइम है दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है। देखो ओस भी जमी हुई है, मैं दिखा देता हूँ आपको कितनी सारी ओस जमी हुई है, अगर आपको विजिबल हो रहा हो तो, दिख रहा हो तो। तो चलिए मैं चलता हूँ आपको पार्क दिखाता हूँ एक बार, देख लीजिए पूरा पार्क, बड़ा अच्छा फील हो रहा है सुबह सुबह यहाँ पार्क में आके। तो मैं लेके चलता हूँ, आते भी दिखाऊंगा पार्क में जो कुछ भी है, आपको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। ये लोग देख रहे हैं मुड़ मुड़ के, पता नहीं क्यों, आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी मुड़ के देख रहे थे ये कर क्या रहा है। तो क्योंकि यहाँ गाँव में कोई ब्लॉग शूट करता नहीं है, ये मैं पहला ही हूँ शायद ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, और वीडियो मतलब यूट्यूब पे चैनल बन रखा है तो इनको नहीं पता है दोस्तों। देखो मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, एक इधर भी मुड़ के देख रहा था, जैसे मैंने कैमरा घुमाया वो उस साइड हो गया। देखो भाई भी देख रहे हैं इधर मुड़ के कि कर गया, अभी भी मुड़ के देख ही जा रहे दोस्तों। मतलब देख सकते हैं लोगों का रिएक्शन, मतलब किस तरह का रिएक्शन था। भाई अभी भी देख रहे हैं, देखो एक भाई अभी देख रहा है अभी पीछे घूम के कि कर क्या रहा है और क्या बोल रहा है, क्या बड़बड़ा रहा है कैमरे में। तो दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूँ हाथी, ये हाथी बना हुआ है दोस्तों बैक साइड में आप देख सकते हैं। अब मैं चलिए सामने की साइड से दिखा देता हूँ इसको एक बारी दोस्तों। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों। देख लीजिए बहुत सारे भाई यहाँ पर मतलब फोटो सेशन करा रहे हैं, जैसा कि आप कैमरे में देख सकते हैं भाई। हाँ जी भाई, भाई लोग एक बार मतलब सभी लोग हाय बोल दो मेरी वीडियो में, और नाम भी बता दो, अपना इंट्रोडक्शन दे दो जरा भाई, बता दो सर क्या नाम है भाई? सुधाकर। सुधाकर, और भाई तुम्हारा? रजनीश। और तुम्हारा भाई? भाई कहाँ से हो सबके सब? सरवा से। अच्छा भाई एक भाई और मिले थे मेरे को, वो भी सरवा से थे, और मैं गंगा वंगा नहा ली और दर्शन कर लिए भाई। चलो भाई ठीक है भाई, बाय दोस्तों। इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और अगले पार्ट में मैं दिखाऊंगा कि मतलब गंगा पर स्नान करने जाएंगे तो वो भी दिखाऊंगा आपको। और ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा शायद, बोरिंग फील हो, तो इसलिए मैं इस वीडियो को तीन पार्ट में या दो पार्ट में डालूंगा दोस्तों। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।